अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि अडानी ग्रुप सिंगापुर बेस्ड कंपनी विल्मर के साथ जॉइंट वेंचर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। खबर है कि दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी ग्रुप सिंगापुर के विल्मर ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर से अलग हो सकता है। बता दें, फॉर्च्यून ब्रांड के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अडानी विल्मर में अडानी ग्रुप की 44% हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे कंपनी को अपने कोर बिजनेस के लिए पैसा मिल जाएगा, इसलिए विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अपने मुंबई लिस्टेड कंज्यूमर स्टेपल जॉइंट वेंचर में अपनी हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रही है कंपनी। ब्लूमबर्ग के अनुसार मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी में अडानी के शेयरों की कीमत करीब 2.7 अरब डॉलर है। खबर के अनुसार भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी फैमिली बिक्री के बाद माइनॉरिटी हिस्सेदारी बरकरार रख सकते हैं। वहीं विल्मर के को फाउंडर सिंगापुर के अरबपति बिजनेसमैन मैन कुओ कुन होंग अपनी हिस्सेदारी पर आने वाले दिनों में निर्णय ले सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विचार विमर्श शुरुआती चरण में है और अडानी इंटरप्राइजेस अपनी हिस्सेदारी रखने का फैसला कर सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप और अडानी विल्मर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बता दें, विल्मर सिंगापुर की कंपनी है जिसकी स्थापना कुओ कुन होंग ने 1991 में की थी। यह कंपनी खाने का तेल, आटा, चावल, दाल और चीनी बेचती है। इसका मुकाबला ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर से है। इस साल अडानी विल्मर के शेयरों में 36% गिरावट आई है और मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से इसकी वैल्यू करीब 6.2 अरब डॉलर है। 24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन इस कारण ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अडानी विल्मर ने पिछले साल IPO के जरिए 36 अरब रुपए जुटाए थे। कंपनी में अडानी और विल्मर की हिस्सेदारी 88% के करीब है। सेबी के नियमों के मुताबिक बड़ी कंपनी में लिस्टिंग के 5 साल के भीतर कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी जरूरी है। बता दें, जून तिमाही में कंपनी को 69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी का कहना है कि खाने के तेल की कीमत में कमी और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के कारण उसे नुकसान हुआ है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक।